अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्राइड एंड प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म पे जमशेद आज आपके लिए फिर खूबसूरत एक 10 मल्ला का डिज़ाइनर हाउस लेके आया हूँ। मुझे काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी जमशेद भाई कोई ऐसा घर लेके आया जाए जो कि डिज़ाइनर होना चाहिए प्लस ये ऑनर बिल्ड हाउस होना चाहिए। तो आज आपके लिए खूबसूरत एक 10 मल्ले का घर लेके आया हूँ। 10 मल्ले के घर के साथ साथ ये घर की अगर लोकेशन की बात की जाए तो बहरिया टाउन लाहौर की प्राइम लोकेशन में इस घर को बनाया गया है। HD का बनाया हुआ ये खूबसूरत ये प्रोजेक्ट है जिसकी प्राइस सिर्फ से सिर्फ 5.5 करोड़ रुपए है। प्राइस लिटिल बिट नेगोशिएबल है। इस घर की कंप्लीट वीडियो, इस घर का फ्लोर प्लान, इस घर का इंटीरियर एक्सटीरियर इस वीडियो के दौरान ही शेयर करूंगा। A+ मटेरियल का घर बनाया गया, क्वालिटी के ऊपर जीरो कॉम्प्रोमाइज किया गया। तो मेरे साथ रहिएगा, चलते हैं इस खूबसूरत घर को विजिट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके रोड की बात करें तो देख सकते हैं 40 फीट का आपको कारपेटेड रोड मिलता है। लेफ्ट हैंड पे देखते हैं अगेन आपको कारपेटेड रोड मिलता है। सामने आपको बड़े मैसिव साइज की इसकी पार्क मिल जाती है। तो चलते हैं इस घर का टूर स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, ये हम इसके गैराज में आ चुके हैं। गैराज में जैसे ही आप आते हैं तो इसकी सबसे पहले आपने टाइल वर्क चेक करना है। मैट में 2x2 खूबसूरत टाइल का वर्क किया गया है। अगर यहाँ पे कैपेसिटी की बात करें 2 से 3 गाड़ियां आप यहाँ पे इजीली पार्क कर सकते हैं। इस घर का एडवांटेज सबसे बड़ा ये भी है कि ये टी के ऊपर घर बनाया गया है, बिल्कुल इसके सामने रोड आ रहा है। आपने गाड़ी जैसे डोर ओपन करने है घर के अंदर आपने गाड़ी इजिली पार्क कर सकते हैं। एनीवे राइट हैंड पे देखते हैं तो खूबसूरत ट्रेवर्टीन टाइल यूज की गई है। साथ में देख सकते हैं आपको आर्टिफिशियल ग्रास मिलता है, साथ लाइट वर्क मिल जाता है। और यहाँ पे भी देखते हैं खूबसूरत आपको सिटिंग स्पेस मिल जाती है। जैसा कि अभी देख सकते हैं वेदर कितना खूबसूरत है, तो यहाँ पे बैठ के आप वेदर को भी इंजॉय कर सकते हैं। फीचर्स वॉल दी गई है जिसमें टाइल प्लस आर्टिफिशियल ग्रास, और यहाँ पे देख सकते हैं खूबसूरत प्लांटेज यहाँ पे लगाए गए हैं। मेरे सर के ऊपर देखते हैं तो खूबसूरत डिसेंट आपको यहाँ पे इसकी फॉल सीलिंग डिजाइन मिल जाती है। और बिल्कुल गैराज के अंदर देखते हैं तो स्टोन वर्क किया गया है जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लिखा गया है। तो चलते हैं घर का हम प्रॉपर इसका टूर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप अपना घर बना रहे हैं या इसे बाय करने में इंटरेस्टेड हैं, ऑनर बिल्ड आपके लिए हाउस लेके आया हूँ, तो वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। चलते हैं घर के अंदर। सबसे पहले आप इसका मेन डोर देख सकते हैं, सॉलिड वुड वर्क पूरे घर के अंदर किया गया, क्वालिटी के ऊपर जीरो कॉम्प्रोमाइज किया गया। तो जैसे ही आप घर के अंदर आते हैं इसकी लॉबी में देख सकते हैं ये इसकी खूबसूरत आपको लॉबी का टाइल का वर्क मिलता है। इसके ऊपर देख सकते हैं इंपोर्टेड शैंडलियर यूज किया गया है। और इसी तरह स्टेयर्स देख सकते हैं जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर को कनेक्ट करके, पहले हम ग्राउंड फ्लोर को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद आपको मैं इसका फर्स्ट फ्लोर का विजिट करवाता हूँ। ये हम इसके ड्राइंग रूम में आ चुके हैं। ड्राइंग रूम में सबसे पहले देख सकते हैं इंपोर्टेड आपको हैंडमेड इसका वुडन फ्लोर मिल जाता है। और जैसे ही आप घर के इसके ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं तो एक देख सकते हैं डिसेंट आपको इलेक्ट्रिक फायरप्लेस यहाँ पे इंस्टॉल मिल जाती है। और यहाँ पे देखते हैं तो इंपोर्टेड आपको शैंडलियर मिलते हैं। AC DC यहाँ पे फैन जो है इंस्टॉल्ड किए गए हैं, रिमोट कंट्रोल वाले। आपको पता है भाई वक्त बदल चुका हुआ है, आम पंखे भी जो है ना वो भी आ रहे हैं भाई रिमोट कंट्रोल वाले। एनीवे ये देख सकते हैं इसकी खूबसूरत फीचर्स वॉल जिसके अंदर इंपोर्टेड यहाँ पे वॉलपेपर यूज किया गया, साथ आप वॉल लाइट से कर सकते हैं। ड्राइंग रूम से आप हम इसके टीवी लॉन्च में इंटर हो जाएंगे। इसके डोर्स भी आप चेक करें, ग्लास के साथ इस यहाँ पे आपको डोर्स मिल जाते हैं। आप बिल्कुल सेपरेट टीवी लॉन्च ड्राइंग रूम को कर सकते हैं। नीचे देख सकते हैं सेंटर में इसकी खूबसूरत आपको पार्टीशन मिलती है। तो ये हम इसके टीवी लॉन्च में आ चुके हैं। पूरा फ्लोर प्लान आपको समझाऊंगा तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये इसका सेंटर में अगेन आपको इलेक्ट्रीफायर प्लेस मिलती है। तो फुल हाइटेड देख सकते हैं टाइल कवर किया गया है। पूरे घर के अंदर जो टाइल कवर किया गया है पूरी इंपोर्टेड टाइल है, पाकिस्तानी प्लस चाइना, और इसके अलावा यहाँ पे आपको स्पेनिश टाइल का वर्क मिलता है। तो ये इसका मीडिया वॉल दे सकते हैं, अगेन यहाँ पे इंपोर्टेड टाइल का वर्क किया गया है। शेल्फ दी गई है यहाँ पे आपको स्टोरेज के लिए, यहाँ पे आप 8 पीसेस रख के इस घर को और भी ज़्यादा ग्रूम कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आपको एक बड़े साइज का शैंडलियर मिलता है। AC DC आपको दोबारा यहाँ पे फैंस इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं। सामने मिलते हैं आपको 2 बेडरूम, और मेरे राइट हैंड पे देखते हैं तो आपको इसका ग्राउंड फ्लोर का किचन मिलता है। तो बेडरूम को पहले विजिट कर लेते हैं। ये हम इसके बेडरूम में आ चुके हैं। सबसे पहले इसकी बेड वॉल देखें, 2 निशेस दी गई हैं सेंटर इसके दोनों लेफ्ट राइट पे, और सेंटर में एक बड़े साइज की आपको बेड वॉल दे दी गई है जिसके अंदर हैंगिंग लाइट्स दी गई है, प्लस इसके अंदर रोप लाइट यूज की गई है। तो इसके बिल्कुल सामने देखते हैं तो आपको मीडिया वॉल मिलती है। ये इसकी वार्डरोब दे सकते हैं, काफ़ी बड़े साइज के यहाँ पे प्रोफाइल हैंडल यूज किए गए हैं ब्लैक कोटिंग के साथ, और इम्पोर्टेड यहाँ पे शीट का वर्क मिल जाता है। और यहाँ पे मिलती है आपको विंडो। तो ये हम इसके ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम के अटैच बाथरूम में आ चुके हैं। इम्पोर्टेड आपको वैनिटी मिलेगी। ये वो टाइल्स हैं जो मैं आपको बता रहा था कि स्पेनिश यहाँ पे आपको टाइल का वर्क मिल जाता है। यहाँ पे भी देखते हैं काफ़ी स्मूथ और डिसेंट इस यहाँ पे आपको टाइल का वर्क मिलता है। यहाँ पे देखते हैं तो वॉल हैंगिंग आपको कमोड मिलते हैं ग्रोही कंपनी के, इवन के यहाँ पे जो टैप यूज किए गए हैं
वो भी आपको ग्रोही कंपनी के मिल जाते हैं। क्वालिटी के ऊपर भाई कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो आ जाएं, अब आपको इसके सेकंड बेडरूम में लेके चलता हूँ। दोबारा हम इसके टीवी लॉन्च में आ जाएंगे। टीवी लॉन्च के साथ ही ये इसका सेकंड बेडरूम की बेड वॉल है, देख सकते हैं वुड के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। प्लस सेंटर में देखते हैं तो ग्लासेस के पीस यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, साथ ही आपको दो हैंगिंग लाइट्स मिलते हैं। अगेन उसमें उस कमरे में आपको डिफरेंट कलर शीट्स का मिलता है, यहाँ पे आपको इसका डिफरेंट शीट्स मिलती है। यहाँ पे अगेन प्रोफाइल बड़े साइज़ का आपको यहाँ पे हैंडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो बड़े साइज़ की आपको विंडो मिलती है। यहाँ पे आपको निपॉन कंपनी का पेंट यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं आपको मीडिया वॉल के लिए एक छोटी सी स्पेस दी गई है, तो बड़े साइज़ का आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे टीवी इंस्टॉल्ड कर सकते हैं। उसके ऊपर भी स्टोरेज के लिए आपको एक रैक मिल जाता है। तो ये इसका अटैच बाथरूम है। खूबसूरत वैनिटी आपको मिलती है, लुकिंग मिरर दे सकते हैं। उसके बैक में देखते हैं तो ये वो टाइल्स अगेन यहाँ पे इस बाथरूम में भी स्पेनिश टाइल का वर्क मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं बड़े साइज का आपको जुगुजी टाइल मिल जाता है। यहाँ पे भी 3D टाइल यूज़ की गई है, फुल हाइटेड आपको टाइल का वर्क मिलता है। और यहाँ पे देखते हैं तो वॉल हैंगिंग कमोड, और यहाँ पे देखते हैं तो आपको इसका रेन शावर मिल जाता है। अगेन यहाँ पे ग्रोही कंपनी का आपको इंस्टॉल्ड मिलता है सैनिटरी सारी। तो आ जाएं, अब आपको लेके चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के किचन में, जो पर्सनली मुझे बड़ा पसंद आया। सबसे पहले आपको यहाँ पे डोर क्लोज की ऑप्शन मिलती है। थोड़ा सा आगे आते हैं तो लेफ्ट हैंड पे आपको यहाँ पे फ्रिज के लिए स्पेस दे दी गई है। डेवलपर ने ये प्लस पॉइंट है घर का कि फ्रिज के लिए स्पेसिफिक प्लेस दी गई है कि आप यहाँ पे अपनी फ्रिज को प्लेस कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, फुल हाइटेड आपको ये इसका किचन मिल जाता है। खूबसूरत यहाँ पे शीट कवर किया गया है। माइक्रोवन, बेकिंग ओवन, ये प्लासेस आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड मिल जाती है। और थोड़ा सा आगे देखते हैं तो यहाँ पे आपको इसका लैडर बॉक्स भी है। लेडीज काफी इंटरेस्ट शो करवाती हैं किचन में, जब भी घर बाय करना हो तो वो चीजें देखती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ किचन अच्छे से ज्यादा एक्सप्लोर किया जाए। यहाँ पे आपको अगेन बेसिन एरिया दे सकते हैं। यहाँ पे आपको 5 फेस आपको बर्नर मिलता है, उसके ऊपर आपको सेंसर वाला हुड इंस्टॉल मिल जाता है। अगेन फुल हाइटेड आप दे सकते हैं। यहाँ पे कैबिनेट्स दिए गए हैं, ऊपर आपको इसका खूबसूरत एक लाइट्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड की गई है। तो चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। दोबारा हम इसकी लॉबी में आ जाएंगे। लॉबी में दे सकते हैं ग्रेनाइट कवर किया गया स्टेप लाइट के साथ। और यहाँ पे देखते हैं तो आपको इसका पाउडर रूम मिल जाता है। इवन के पाउडर रूम के अंदर भी देखेंगे व्यूअर्स, आपको ग्रोही कंपनी का यहाँ पे वॉल हैंगिंग कमोड मिलता है। अगर कोई भी घर बाय करना चाहते हैं तो घर में एक मेन चीज आपने देखनी है कि क्या के आया के जो चीज एक मेन बाथरूम के अंदर यूज की गई है वो पाउडर रूम के अंदर भी यूज की गई है। इस घर में आपको सेम उसी कंपनी का कमोड लगा हुआ मिल जाता है जो मेन बाथरूम्स में लगे हुए मिलते हैं। तो यहाँ पे भी दे सकते हैं डेवलपर ने कोई पैसों की बचत नहीं की, यहाँ पे भी अच्छी कंपनी का आपको कमोड लगाया हुआ मिल जाता है। यहाँ पे देखते हैं ये इसका इंपोर्टेड आपको वॉलपेपर मिलता है, ऐसा लगता है जैसे पेंट यूज किया गया है। तो ये सबसे पहले इसका खूबसूरत, हम इसके टेरेस पे आ चुके हैं। 2 स्टेप डाउन आपको इसका टेरेस मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं वुडन टेक्सचर में आपको इसका टाइल का वर्क मिलता है। काफी मैसिव साइज का आपको टेरेस मिलता है। यहाँ पे भी बैठ के आप वेदर को एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर आपको ओपन स्काई व्यू मिल जाता है। तो चलते हैं इसके टीवी लॉन्च में। अगेन स्टेयर जो ऊपर रूफटॉप पे जा रही है, जहाँ पे एक सर्वेंट रूम है बाथरूम के साथ। तो ये हम इसके टीवी लॉन्च में आ चुके हैं। सबसे पहले देख सकते हैं 2x4 टाइल का वर्क किया गया है। यहाँ पे देखते हैं खूबसूरत आपको फीचर वॉल मिलती है हैंगिंग लाइट्स के साथ। अगेन एक डिसेंट आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी इसकी मीडिया वॉल मिल जाती है, जिसमें देख सकते हैं वुड के पीस यूज किए गए हैं। प्लस दोनों साइडों पे आपको ब्लैक यहाँ पे ग्लास मिल जाता है। ये इसका फॉल सीलिंग डिजाइन देखें, शैंडलियर आपको यहाँ पे इम्पोर्टेड मिल जाता है। 1 बेडरूम आपको यहाँ पे मिलता है, 2 बेडरूम यहाँ पे। तो इस बेडरूम को विजिट करते हैं। ये हम इसके रोड फेस वाले बेडरूम में आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं खूबसूरत आपको बेड वॉल मिलती है, जिसको डिजाइन किया गया है। एक साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको वुडन पैनल यहाँ पे लगे हुए मिल जाते हैं। अगेन बड़े साइज की टाइल कवर फॉल सीलिंग डिजाइन दे सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं अगेन आपको बड़े साइज के यहाँ पे हैंडल इंस्टॉल मिल जाते हैं। तो चलते हैं इसके अटैच बाथरूम में। उससे पहले आप देख सकते हैं बड़े साइज की आपको यहाँ पे विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए, तो आप बाहर भी व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हम इसके अटैच बाथरूम में आ चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं वॉल हैंगिंग कमोड, और यहाँ पे केले कंपनी की यहाँ पे इस वॉशरूम के अंदर
टाइल यूज़ की गई है। यहाँ पे देखते हैं तो पियानो सिस्टम वाला, यहाँ पे आपको शावर एरिया मिलता है, अगेन यहाँ पे आपको विंडो मिल जाएगी और यहाँ पे इसका लुकिंग मिरर, वैनिटी वगैरह आप चेक कर सकते हैं। 5,50,00,000 रुपये इस घर की प्राइस है, प्राइस लिटल में निगोशिएबल है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो राइट हैंड पे देखते हैं, एक आपको छोटा लेकिन प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे किचन मिल जाता है, दो फैमिलीज के लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है। और प्लस पॉइंट ये भी है कि एक पोर्शन का आप रेंट आउट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपको प्रॉपर किचन मिलता है, और यहाँ पे देखते हैं तो एक आपको स्टोर की भी ऑप्शन मिल जाती है। तो चलते हैं इसके फोर्थ बेडरूम में, या हम इसके फोर्थ बेडरूम में आ चुके हैं। सबसे पहले इसकी बेड वॉल देखिए, अट्रैक्टिव आई कैचिंग आपको यहाँ पे वॉलपेपर लगा हुआ मिल जाता है। अगेन यहाँ पे देखते हैं वॉल लाइट्स आपको मिलती हैं, जिसके अंदर रोप लाइट यूज़ की गई है। फॉल सीलिंग डिज़ाइन इसका देखिएगा, अगेन यहाँ पे आपको इसका खूबसूरत वार्डरोब्स मिलती है। तो चलते हैं इसके अटैच बाथरूम में, ये अटैच बाथरूम पर्सनली मुझे बड़ा पसंद आया है, ब्लैक प्लस गोल्ड में इसको यूज़ किया गया है, खूबसूरत टाइल का वर्क दे सकते हैं। अगेन यहाँ पे आपको खूबसूरत गोल्ड में टाइल का वर्क मिलता है। यहाँ पे देखते हैं तो सिंक दे सकते हैं इसका, और साथ खूबसूरत आपको टाइल मिलता है, सामने आपको लुकिंग मिरर मिल जाता है, और यहाँ पे देखते हैं तो आपको मिलता है इसका वॉल हैंगिंग कमोड। तो चलते हैं जल्दी से इसके लास्ट बेडरूम का विजिट करते हैं। 5,50,00,000 रुपये इस घर की प्राइस है, प्राइस निगोशिएबल है। बैरिया टाउन लाहौर की प्राइम लोकेशन पर इस घर को बनाया गया है। राइट हैंड पे देखते हैं इसकी खूबसूरत बेड वॉल, यहाँ पे देखते हैं विंडो, और ये इसका फॉल सीलिंग डिज़ाइन आपको दिखाना चाहता हूँ। डिसेंट यहाँ पे फॉल सीलिंग डिज़ाइन दी गई है। अगेन यहाँ पे इन्वर्टेड वार्डरोब देखते हैं, जिसके अंदर खूबसूरत ब्लैक कोटिंग आपको इसके प्रोफाइल हैंडल मिलते हैं। तो ये इसका अटैच बाथरूम है, जिसके अंदर लाइट टाइल कवर किया गया है। वैनिटी दे सकते हैं, इसकी बैक पे देखते हैं तो आपको इम्पोर्टेड टाइल कवर मिलता है, वैनिटी दे सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वॉल हैंगिंग कमोड, और ये इसका फॉल सीलिंग डिज़ाइन, इसके ऊपर आपको कंसील्ड रेन शावर मिलता है, और ये देख सकते हैं खूबसूरत लाइट कवर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये खूबसूरत घर पसंद आएगा। 5,50,00,000 रुपये इस खूबसूरत घर की प्राइस है, प्राइस लीटर में निगोशिएबल है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, जिन हजरात के पास अपने जाती घर नहीं है, अल्लाह पाक रिस्क के हालात से सबको अपनी ज़िंदगी में अपने जाती घर अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।